हेलो स्टूडेंट, दिस इज मासूम जफर और आपका स्वागत है हमारे किंग एस एजुकेशन चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? होप ये अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो जो हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि हमने फर्टिलाइजेशन तक, जो प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तीन थे स्टेप अपने इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो जिसमें से हमने प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन को पिछले लेक्चर तक हमने एंड कर दिया था। तो आज हम आगे क्या करने वाले हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन है जितना भी है उसको हम कंप्लीट करेंगे और आज इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को डन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस को, जितने भी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के जितने भी क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने सारे को डन करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करके सेट कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो हमने पिछले लेक्चर में कहाँ तक करवा दिया था, फर्टिलाइजेशन तक। तो हमने क्या देखा था, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें तीन स्टेप थे। कौन कौन से? एक प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये तीनों क्या थे? इवेंट्स, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों थे। जिसमें से हमने जो पिछले लेक्चर में यहाँ और ये दोनों तक हमने क्या कर दिया था, डन कर दिया था। आज हमें क्या करना है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो मैं फिर से याद दिला दूं कि जो भी बच्चे नए हैं तो प्लीज वो पहले मेरा लेक्चर, पिछले के जितने भी, पीछे जितने भी लेक्चर हो चुके हैं उनको पहले देखें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने, तो पहले लेक्चर को देखें उसके बाद इस लेक्चर पे आए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चों, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है? पोस्ट मतलब बाद, मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद वाला जो इवेंट है वो क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब कि स्टार्ट्स विद, स्टार्ट्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, मतलब डिप्लॉयड होता है ना, जायगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, तो टू एंड लिख दिया। स्टार्ट्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनाता था, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जैसे कि मेल गैमेट, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, एन एन ये आया, फ्यूज हुआ, उसके बाद क्या बना दिया, जायगोट, एन प्लस एन क्या हुआ, ये बन गया, ये क्या था, फर्टिलाइजेशन था। तो फर्टिलाइजेशन से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा था, जायगोट। ठीक है, तो अब बनने के बाद, जायगोट के बनने के बाद का जो इवेंट होते हैं, जितनी भी सारी प्रोसेस होते हैं, वो सारे किसमें आते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, किसमें आते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, तो अब हमें जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में करना क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो है क्या क्या आता है, जायगोट, हमें जायगोट के बारे में पढ़ना है, फिर इसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, और फिर एम्ब्रायोजेनेसिस के, एम्ब्रायोजेनेसिस, फिर क्या पढ़ना है, एम्ब्रायोजेनेसिस, ये तीन हम आज डन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, जायगोट, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, इस जायगोट को, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, जायगोट। अब जायगोट क्या है, जायगोट क्या है, इट इज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट है वो क्या है, जायगोट है, जिसकी प्लॉयडी क्या होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, डबल, मतलब कि 2n, इसकी प्लॉयडी क्या होगी, 2n होगी। 2n क्यों होगी, वन हैप्लॉयड फ्रॉम मेल एंड हैप्लॉयडी फ्रॉम फीमेल, तो दोनों एक साथ कंबाइन होके जायगोट बने, फ्यूज हो गए, तो क्या बन जाएगा, प्लॉयडी हमारी 12।
ठीक है। तो जो जायगोट है, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट जो है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट इज यूनिवर्सल इन ऑलमोस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, आई समझ में, कि मतलब कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑलमोस्ट, मतलब कि सारे के सारे जो है वो जो फॉर्मेशन ऑफ जायगोट होगा, जो फॉर्मेशन ऑफ जायगोट होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्सल मतलब कि हर एक ऑर्गेनिज्म में फॉर्मेशन ऑफ जायगोट तो कंपलसरी है। और ये क्या है एक्चुअल में, ये जायगोट है क्या, कनेक्टिंग लिंक है ना, ये कनेक्टिंग लिंक फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जोड़ने वाला एक लिंक है जो जायगोट है। वो क्या है जायगोट, क्या है लिंक है ये बिटवीन वन जनरेशन टू नेक्स्ट, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, इन दोनों के बीच का जो लिंक है वो क्या है, जायगोट। और जो बॉडी, जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म अपना जो लाइफ जो स्टार्ट करती है वो एज अ सिंगल सेल करती है, एज अ सिंगल सेल वो अपने लाइफ को क्या करती है, बिगिन करती है, स्टार्ट करती है। तो वो सिंगल सेल क्या है, जायगोट। ये मैंने पिछले लेक्चर में अपने बता रखा है कि जायगोट ही है सिंगल सेल, जिस सेल से क्या करती है, जो किसी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को बिगिन करती है। आए समझ में। उसके बाद आता है डेवलपमेंट की बात। अगर डेवलपमेंट की बात आती है तो क्या होता है, तो जायगोट का डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, मतलब कि हर तरह के फैक्टर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। जैसे कि कुछ जायगोट जो है एक्सटर्नली डेवलप होते हैं, अब कुछ इंटरनली, कुछ एक्सटर्नली और कुछ इंटरनली, होते कि नहीं। मतलब कि जैसे कि आप फिशेस को ले, हम फिश हुआ, फ्रॉग्स हुआ, इन सब को लेंगे तो क्या होगा, जो जायगोट का डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है, इन वाटर, वाटर कंडीशन में होता है ना। तो वो क्या हुआ, आउटसाइड द बॉडी। अगर आउटसाइड द बॉडी हो रहा है तो इसका मतलब कि जायगोट का जो डेवलपमेंट है वो एक्सटर्नली हो रहा है। जब किसी इनसाइड द बॉडी होगा, मतलब कि इनसाइड द फीमेल बॉडी होगा, तो जो जायगोट का डेवलपमेंट वो कैसा होगा, इंटरनल हुआ, हुआ कि नहीं इंटरनल, मतलब कि एक्सटर्नल, दो तरीके के डेवलपमेंट हुआ ना। जायगोट का डेवलपमेंट किस दो तरीके, कौन कौन सा, एक हुआ एक्सटर्नल और एक हुआ इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब कि आउटसाइड द बॉडी, और इंटरनल मतलब कि इनसाइड द बॉडी। अभी अगर कोई डिफरेंस पूछे कि आउटसाइड द बॉडी एंड इनसाइड द बॉडी में क्या डिफरेंस है, मतलब कि क्या चीजें हैं जो इन दोनों को अलग बनाती है, तो अगर यहां पे सर्वाइवल की बात करें एक्सटर्नल और इंटरनल वाले में, तो किसका सर्वाइवल का चांस ज्यादा है। अगर कोई पूछे कि आउटसाइड द बॉडी मतलब कि एक्सटर्नल या फिर इंटरनल, इन दोनों में से किसका सर्वाइवल का चांस ज्यादा है, मतलब कि कौन अच्छे से डेवलप हो सकता है, ठीक है, तो आउटसाइड एंड इनसाइड द बॉडी, इंटरनल मतलब इनसाइड, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड। आउटसाइड में क्या होगा, चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या होगा, कम होगा। कैसे कि प्रेडेटर, वल्नरेबल टू प्रेडेटर होगा ना, अब प्रेडेटर से बहुत ज्यादा खतरा होगा। और इनसाइड, वो पहले इनसाइड वोम्ब, मतलब कि फीमेल जो है, फीमेल उसके इनसाइड में, वोम्ब में, ठीक है ना, तो क्या होगा, इनसाइड द बॉडी होगा तो वो बचा हुआ रहेगा, उसमें प्रेडेटर से वल्नरेबल नहीं होगा, तो सर्वाइवल का चांस इंटरनल का ज्यादा होगा। उसके बाद क्या है, डेवलपमेंट ऑफ जायगोट और किस पे डिपेंड करता है, और किस चीज पे डिपेंड करता है, और किस चीज पे, जो लाइफ साइकिल पे, कि जो किस तरीके का ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल कैसा है, किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन
लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म की, मतलब कि ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल कैसा है, हैप्लोइंटिक है या फिर डिप्लोइंटिक है, किस तरीके का लाइफ साइकिल है। अगर मान लो हैप्लोइंटिक होगा तो जायगोट कैसे डेवलपमेंट होगा, जैसे कि जायगोट, जैसे कि क्या हुआ, अब हैप्लोइंटिक का देखते हैं सिर्फ, हैप्लोइंटिक क्या कर देखें तो क्या होगा, मतलब कि ये मेल गैमेट, ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। अब फीमेल गैमेट क्या फ्यूज करके बनाएगा, फ्यूज करके क्या बनाएगा, यहाँ पे फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा ना, तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा, म्योसिस होगा, म्योसिस हुआ तो यहाँ पे एन, ये एन, ये हैप्लोइंटिक का है। म्योसिस होगा किसी ऑर्गेनिज्म में तो क्या होगा, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस के ड्यूरिंग म्योसिस बताया था रिडक्शनल डिवीजन, जब भी ऑर्गेनिज्म क्या होगा, टू एन होगा, ऑर्गेनिज्म टू एन होगा, म्योसिस होगा, मेल गैमेट बनेगा, ये मेल गैमेट बनेगा और ये फीमेल गैमेट, एन एन, मतलब कि हैप्लोइड मेल गैमेट और हैप्लोइड फीमेल गैमेट बन गया, फ्यूज हुआ, फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद क्या हुआ, फ्यूज करने के बाद क्या बना, यहाँ पे जायगोट बना, जायगोट बना। अब जायगोट कैसे बना, एन प्लस एन क्या हो गया, ये टू एन हो गया। अब जायगोट का डेवलपमेंट कैसा होगा, जब हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल है तो हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल में जायगोट का डेवलपमेंट कैसा होगा, जायगोट अंडरगो मियोसिस, अंडरगो मियोसिस, मियोसिस जाएगा तो ये क्या फॉर्मेशन करवाएगा, ये स्पोर्स बनाएगा जो कि क्या होगा, हैप्लोइड होगा। मियोसिस बताया था, मियोसिस है क्या एक्चुअली में, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन मतलब कि रिडक्शन, रिडक्शन कर रहा है वो, टू एन से सीधा एन बनाया। अब स्पोर्स बनाया किसमें, ये हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल था, क्या था, ऑर्गेनिज्म 2n था, डिप्लोइड था ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म डिप्लोइड था, मियोसिस हुआ मतलब गैमेटोजेनेसिस के थ्रू, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस हुआ, उसमें मियोसिस हुआ तो क्या बनाएगा, ये फीमेल क्या बनाएगी, फीमेल गैमेट n और मेल, मेल गैमेट n, मतलब कि इसकी प्लॉयडी क्या होगी, n n, मतलब हैप्लोइड हैप्लोइड। उसके बाद क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, यहां पे फ्यूज हुआ, फ्यूज होने के बाद क्या बनाया, जायगोट, जायगोट कैसा है, 2n है, n प्लस n, इसका n है इसका n, दोनों का n एक साथ जुड़ा तो यहाँ पे डिप्लोइड बन गया, डिप्लोइड जायगोट बना। अब जो है लेकिन लाइफ साइकिल तो हैप्लोइंटिक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल क्या है, हैप्लोइंटिक। और आप थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म जो स्टार्ट करता है लिविंग, वो एज ए सिंगल सेल, मतलब कि जायगोट करता है, मतलब कि यही डेवलप होगा ना ऑर्गेनिज्म में। तो ये क्या होगा कि ये अब अंडरगो मियोसिस, जायगोट मियोसिस के अंडर जाएगा, म्योसिस में गया और ये स्पोर्स बना देगा, और स्पोर्स की प्लेटी क्या होगी, एन होगी, और ये स्पोर्स डेवलप होके क्या बना देगा, इनटू, डेवलप इनटू ऑर्गेनिज्म। आया समझ में, आ गया समझ में, डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म, गैमेटोजेनेसिस थ्रू म्योसिस, एंड एन मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होके जायगोट 2n बना, उसके बाद मियोसिस में गया, फिर स्पोर्स का फॉर्मेशन, स्पोर्स की प्लॉयडिटी n, और वो पूरा ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया, जिसकी की प्लॉयडी क्या होगी, n, मतलब कि इसका जो लाइफ साइकिल है वो कैसा होगा, हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल, मतलब कि हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल में ये चलता है। आए समझ में, तो इसका डेवलपमेंट कैसा होगा, अब देखते हैं डिप्लोइंटिक लाइफ साइकिल, मिटा दूं ये, अब देखते हैं कि डिप्लोइंटिक लाइफ साइकिल क्या है। डिप्लोइंटिक लाइफ साइकिल क्या है, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म कैसा अपना लाइफ वो कर रहा है, डिप्लोइड, मतलब कि कैसा, डिप्लोइड एज ए ह्यूमंस, एग्जांपल में क्या है, ह्यूमंस, लाइक ह्यूमंस, ह्यूमंस क्या है, डिप्लोइड है ना, तब जाके कुछ कितने होते हैं, 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 44 प्लस एक्स वाई और 44 प्लस एक्स एक्स, वेदर इट इज मतलब मेल और फीमेल उसके अकॉर्डिंग होगा, मेल होगी तो मेल होगा तो एक्स वाई और फीमेल होगी तो एक्स एक्स।
ठीक है समझ में, मतलब कि वो डिप्लॉयड है, तभी तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होगा तो ही तो बोलते हैं कि पेरेंट्स से 23 पे 23 और सॉरी मेल पेरेंट्स से 23 या फीमेल पेरेंट्स से 23, तब जाके वहां पे मिलता है 23 पेयर्स, समझे ना, तो वो डिप्लॉयड ही होता है। ठीक है ना, अब देखते हैं डिप्लॉयटिक लाइफ साइकिल में क्या होता है। डिप्लॉयटिक लाइफ साइकिल में जायगोट का डेवलपमेंट कैसा होता है, कैसा होगा, ऑर्गेनिज्म 2N है, सेम मियोसिस मतलब कि गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेटोजेनेसिस से क्या बना, मेल गैमेट एन प्लस फीमेल गैमेट एन, वही ये आया। अब फ्यूज होके क्या बना था, यहां पे फ्यूज हुआ, फ्यूज होके क्या बना, जायगोट, जायगोट बना। अब ये हुआ 2N, अब इसके बाद डेवलपमेंट कैसा होगा जायगोट का, यहाँ पे तो डिप्लॉयड, और हम पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअली में, डेवलपमेंट ऑफ जायगोट पढ़ रहे हैं ना, तो एक्चुअली में क्या पढ़ रहे, डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, तो पिछले में क्या हो रहा था, ये तो अंडर मियोसिस के अंडर जा रहा था, लेकिन अगर डिप्लॉयडी बनानी है, अब अगर इसकी प्लोइडी मेंटेन रखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये डेवलप कैसे करेगा, तो इसमें कौन सा डिवीजन होगा। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि दो होते हैं, एक मियोसिस माइटोसिस, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन एंड माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल मतलब कि इक्वेशनल, जो पहले था वो वापस से वही है, ऐसे समझ में, जो था वही है और वही रहेगा, समझ में ना, जो था वही है वही रहेगा, समझ में है ना, उसी तरीके से। तो जायगोट क्या अंडर को माइटोसिस, जिसको क्या अगर तुम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे या फिर अगले चैप्टर में, तो वो बोला गया है कि अंडर को क्लीवेज, क्लीवेज क्या है, क्लीवेज क्या है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जायगोट का डेवलपमेंट, जो जायगोट डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन में था, ऑप्शन में था माइटोसिस, क्लीवेज, मियोसिस, क्लोज्ड माइटोसिस, उसमें क्लीवेज नहीं था, क्लीवेज नहीं था, इसमें था म्यूटिक, एक दो तीन चार, यह ऑप्शन में था। अब पूछा गया था कि जायगोट जो है वो कैसे डिवाइड करता है, डेवलपमेंट के ड्यूरिंग वो डिवाइड कैसे करता है, तो उसका आंसर क्या था, काफी बच्चे आंसर इसका करेंगे माइटोसिस, लेकिन इसका माइटोसिस नहीं था, क्लोज्ड माइटोसिस था, क्लोज्ड माइटोसिस मतलब क्लोज माइटोसिस, क्लोज माइटोसिस। तो माइटोसिस कैसा होता है, इसमें क्लोज माइटोसिस होता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्लीवेज, इक्वेशनल डिवीजन। और जो ऑर्गेनिज्म बनेगा इससे, इससे क्या बनेगा, फिर एम्ब्रायो बनेगा, फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म बनने स्टार्ट। तो मतलब कि 2N की प्लोइडिटी क्या हुई, मेंटेन रही, ऑर्गेनिज्म कैसा रहा, 2N रहा, और वापस से ये इस फेज में जाएगा, फिर ऐसे ऐसे चलता रहेगा ये साइकिल, ऐसे समझ में। ये क्या था, मतलब कि लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग, लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। ठीक है, मिटा दो। अब इसके बाद आते हैं जैसे कि फंजाई और एल्गी। यार ये फंजाई और एल्गी ना हमेशा कहीं ना कहीं आ ही जाता है, ये इसके साथ एक्सेप्शन जुड़ा हुआ है, और ये जुड़ा हुआ ही रहेगा। जैसे केमिस्ट्री होता है ना, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री धोखा है, धोखा है ना, उसमें एक्सेप्शन भरे पड़े, तो वैसे एल्गी और फंजाई पीछे नहीं छोड़ने वाले। तो जो एल्गी और फंजाई है, एल्गी और फंजाई का जो जायगोट है वो क्या करता क्या है, चले वो फॉर्मेशन करवा लेता है थिक वॉल्ड का, अपने चारों तरफ थिक वॉल्ड का क्या करवा लेता है, फॉर्मेशन करवा लेता है, जो कि उसको डेसिकेशन से बचाता है, मतलब कि डेसिकेशन एंड प्रिवेंशन, उसको मतलब कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, क्या करवाता है, मतलब क्या क्या करता है, ये इसका जो जायगोट है तो वो क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ
फोम थिक वोल्ड लेयर, थिक वोल्ड लेयर अराउंड, जो कि क्या प्रोवाइड करवाता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेसिकेशन, आई समझ, डेसिकेशन से बचाता है। और क्या कहता है, जैसे फॉर्मेशन होगा, थिक वॉल लेयर का फॉर्मेशन होगा, डेसिकेशन से उसको प्रोटेक्ट कर रहा है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये क्या कहता है, अंडरगो अंडरगो रेस्टिंग पीरियड, अंडरगो रेस्ट फॉर अ सर्टेन बिफोर जर्मिनेशन, अंडरगो रेस्ट फॉर अ सर्टेन पीरियड बिफोर जर्मिनेशन, मतलब कि जो एल्गी और पंजाई है फॉर्म थिक वॉल्ड लेयर अराउंड इट फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम डेसिकेशन एंड डैमेज एंड अंडरगो रेस्ट फॉर अ सर्टेन पीरियड बिफोर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन से पहले वो थोड़ा कुछ देर जाता है रेस्ट में, रेस्ट कंडीशन में, आए समझ में। उसके बाद यह था जायगोट, जायगोट का डेवलपमेंट हो गया कि किस कंडीशन में कैसे डेवलपमेंट होते हैं, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन भी याद होने चाहिए। उसके बाद आता है क्या हमारा नेक्स्ट, एम्ब्रायोजेनेसिस। अब नेक्स्ट क्या हमारा, एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायोजेनेसिस क्या है, एम्ब्रायोजेनेसिस क्या है, एम्ब्रायोजेनेसिस क्या है, एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायोजेनेसिस है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो को क्या बोलेंगे हम, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो को क्या बोलेंगे हम, एम्ब्रायोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद आता है क्या कि जो जायगोट होता है इसमें होता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो बनता है, जैसे कि जायगोट अंडरगो, जायगोट अंडरगो सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, जो हमारा जो जायगोट है अंडरगो सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन में क्या होगा, ये क्या करेगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ सेल्स को क्या करेगा, इंक्रीजेस, इंक्रीज कर देगा, आई समझ में, नंबर ऑफ सेल्स को क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा। और सेल डिफरेंशिएशन, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन, ग्रुप ऑफ सेल्स अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन एंड फॉर्म टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ऐसा समझ में, मतलब कि जायगोट जो है अंडरगो सेल, अब सेल डिवीजन में गया, अब सेल डिवीजन में गया तो नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज हुए, जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुए मतलब कि ये और इसमें जाएगा, सबसे पहले सेल डिवीजन में जाएगा तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए, जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन में चला जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन हो गया जिसमें कि वो मैच्योर भी होगा, मैच्योर एंड फॉर्म टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, टिश्यू ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन्स उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद ऑर्गेनिज्म क्या बनाएगा, सेल्स बनेगा, सेल्स हुआ, सेल्स से क्या बना, टिश्यू बना, टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म, आई समझ में, सेल
टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, ये था हमारा डेवलपमेंट, ये एम्ब्रायोजेनेसिस। उसके बाद आता है कि अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, एनिमल्स कितने तरीके के होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म वो कितने तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि क्या है, अकॉर्डिंग टू डिपेंडिंग अपॉन डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, ऑर्गेनिज्म कितने तरीके के, जैसे कि पहला विविपेरस, दूसरा ओविपेरस, तीसरा ओवो विविपेरस। अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, वेदर इंटरनल डेवलपमेंट और एक्सटर्नल, मतलब कि आउटसाइड बॉडी, ये डिपेंड, इनके डिपेंड मतलब कि इसके अकॉर्डिंग ये तीन तरीके कौन कौन से, विविपेरस, ओविपेरस और ओवोविपेरस। विविपेरस प्लेसेंटल, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी डेवलपमेंट होगा, कैसा, इनसाइड द बॉडी। ओविपेरस में कैसा होगा, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, ऐसे समझ में, विविपेरस इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, ओविपेरस आउटसाइड द बॉडी। एंड ओवो विविपेरस का क्या है, ओवो विविपेरस का कंडीशन क्या है, अब जैसे कि विविपेरस और ओविपेरस में देखेंगे, इसमें क्या होगा, इंटरनल डेवलपमेंट होगा, एक सर्टेन पीरियड आएगा जब सर्टेन ग्रोथ हो जाएगा, सर्टेन ग्रोथ होने के बाद क्या होगा, सर्टेन ग्रोथ होने के बाद क्या होगा, वो यंग वंस को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे बाहर, हुआ। दूसरा ओविपेरस में क्या है, ओविपेरस का कंडीशन क्या है, कि जो एग है, एग लेइंग वाला, एग लेइंग सिस्टम है ना, एग लेइंग होगा, फिर उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड, एक सर्टेन इंक्यूबेशन पीरियड होगा, उसके बाद एग क्या होगा, हैच हो जाएगा, एग क्या होगा, हैच होगा, और उसके बाद उसमें से ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो जो जो भी फिटस निकलेगा वो क्या बन जाएगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, एक सर्टेन पीरियड पे, मतलब कि एक्सटर्नली हो रहा है ना, इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल हो रहा है सारा कुछ, और इसमें क्या है, सारा कुछ इंटरनल हो रहा है। अब ह्यूमंस की बात करेंगे तो विविपेरस है ना, प्लेसेंटल कनेक्शन, इसमें विदाउट प्लेसेंटल, और ये क्या होता है, ये भी अनप्लेसेंटल होता है, ये भी अनप्लेसेंटल होता है, इसमें डेवलपमेंट क्या होता है, विविपेरस समझ में आया, ओविपेरस समझ में आ गया, विविपेरस आ गया समझ में, ओविपेरस भी आ गया। विविपेरस में क्या है, इंटरनल डेवलपमेंट, ओविपेरस में एक्सटर्नल डेवलपमेंट। अब जैसे कि बर्ड्स को ले लेते हैं, बर्ड्स क्या करती है, एग ले कर देती है, एग ले करती है, फिर उसके बाद इंक्यूबेट करते हैं उसको, एग को क्या करते हैं, सर्टेन पीरियड तक इंक्यूबेट करते हैं, इंक्यूबेट करने के बाद क्या होता है, हैच हो जाते हैं, एग क्या होगा, हैच होगा, और उसमें से वो निकल आएगा, जो भी बर्ड्स का जो वो होगा, मतलब कि जो एंड जब बच्चा जो होगा वो क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा, तो वो एक्सटर्नल है ना। अब इसमें भी यहाँ पे भी कंडीशन आता है, विविपेरस एंड ओविपेरस में बेटर कौन सा है, मतलब कि सर्वाइवल फॉर द, मतलब कि सर्वाइवल का चांस किसका ज्यादा है, तो इसका किसका ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, विविपेरस का मोर होगा, विविपेरस का मोर होगा सर्वाइवल का चांस, क्योंकि ये इंटरनल है। अब इंटरनल है तो ये प्रोटेक्टेड है पहले से, इंटरनल कहां, फीमेल मेमल में, जो फीमेल होगा उसके अंदर ना, फीमेल के अंदर में क्या होगा, इसका डेवलपमेंट होगा और ये सेफ होगा। और लेकिन जो ओविपेरस कंडीशन, ओविपेरस में क्या होगा, ओविपेरस आउटसाइड द बॉडी है ना, तो ये प्रेडेशन तो यार सिंपल सी बात है, अगर बाहर कुछ पड़ा हुआ होगा तो प्रेडेशन तो होगा ही होगा उसका, अगर कुछ बाहर पड़ा हुआ है किसी का फायदे का है और उसको कोई देखभाल नहीं करता, तो वो तो भाई वो प्रेडेशन में ही है, उसको खतरा है, उसको खतरा बना हुआ है, ऐसे समझ में। तो ये है ओविपेरस का कंडीशन। अब यहाँ पे आता है ओवोविविपेरस, ओवोविविपेरस का क्या कंडीशन है,
ओवोविविपरस क्या है? अब इसमें फर्टिलाइजेशन जो ओवीपेरस और ओवोविविपरस में क्या, अगर पहले हम ओवोपेरस देखते हैं कि ओवोविविपरस क्या है, कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट जो होगा, जो डेवलपमेंट होगा वो इंटरनल होगा। कैसे होगा? इंटरनल, इंटरनल होगा। है तो ये एग लेंगे, एग वाला सिस्टम ही है इसका भी। इंटरनल डेवलपमेंट हुआ, अब क्या होगा? इंक्यूबेट भी होगा। इंक्यूबेट मतलब कि हैच होगा, जो एग होगा वो हैच भी हो जाएगा। कहाँ? इनसाइड, इनसाइड द ऑर्गेनिज्म फीमेल के, मतलब कि इनसाइड हैच भी हुआ, उसके बाद भी ये रिलीज नहीं होगा, उसके बाद भी रिलीज नहीं होगा जब तक के जो फीटस होगा वो मैच्योर एनफ टू सर्वाइव आउटसाइड द बॉडी, और उसके बाद देन रिलीज हो जाता, मतलब कि बॉडी से बाहर निकाल देते। आए समझ में? इंटरनल डेवलपमेंट होगा, एग भी इंक्यूबेट होगा, वो अंदर होगा, लेकिन एग हैच होगा अंदर भी, अंदर हैच हुआ, अंदर टूटा, और जो है बाहर जो होगा क्या होगा उसका, जब तक सॉरी, एग हैच होने के बाद भी वहां पे क्या होगा उसका, मैच्योर होने तक, मैच्योर होने तक, मैच्योर होने तक वो इनसाइड ही रहेगा, जब तक कि वो इतना मैच्योर ना हो जाए कि बाहर के एनवायरमेंट को वो सर्वाइव कर पाए, मतलब कि टॉलरेट कर पाए, मतलब कि जब तक कि वो टॉलरेट नहीं कर पाए उतने मैच्योर तक वो इनसाइड द बॉडी होगा, उसके बाद आउटसाइड। तो ये कंडीशन है ओवोविविपरस। अगर ओवीपेरस और ओवोविविपरस में बोला जाए कि यार दोनों तो एक लाइन ही है, क्या अलग है, तो अलग इसमें यह है कि इसमें विद और विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है इनसाइड, ये इसमें मतलब कि फर्टिलाइजेशन तो होगा लेकिन इंटरनल की बात कर रहा हूं मैं, इंटरनल होगा भी और नहीं भी होगा, इसमें जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें जरूरी है इंटरनल ही होगा, उसके बाद जब तक नहीं मैच्योर हो जाएगा सारा डेवलपमेंट अंदर होगा, उसके बाद ये बाहर आएगा। आगे समझ में? ओवोपेरस, ओवीपेरस, ओवोविपेरस। अब इसके बाद इसका एग्जांपल देखते हैं कि अगर पूछेगा तो एग्जांपल भी पूछ सकता है कि इसके एग्जांपल बताओ, इसके एग्जांपल क्या होता है, ठीक है। तो विविपेरस का तो पता ही है, विविपेरस का नॉर्मल सबको पता है कि क्या एग्जांपल है, जैसे कि ह्यूमंस, कैटल और हॉर्स, बहुत सारे एटसेट्रा। ओवीपेरस का ये भी पता है क्या होता है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस एटसेट्रा। ओवोविविपेरस का क्या होता है, इसका होता है सार्क एंड सम फिशेस एंड स्नेक्स। ये जरूरी नहीं है याद रखना, ये याद रखना मेन ये है सार्क। समझ में आया? ओवोविविपेरस का एग्जांपल ये है और विविपेरस का ये और ओवीपेरस का। उसके बाद यहाँ पे आता है कि जो रेप्टाइल एंड बर्ड्स है, रेप्टाइल एंड बर्ड्स है टेरेस्ट्रियल कंडीशन है या नहीं, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में। अब जो ए लेग करेगा, ये जो एग जो लेग करेगा, जो एग होगा वो कवर्ड होगा किस कंडीशन में, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के कंडीशन में, मतलब कि बर्ड्स एंड एग जो है कवर्ड बाय सेल, कैल्सीरियस सेल्स, मतलब कि वो देखा ना अंडे, अंडे मुर्गे के अंडे देख लो ना, मुर्गे के अंडे का बाहर का कैसा कड़क टाइप का होता है, तो कैल्सीरियस सेल होते हैं ना, कैल्सीरियस सेल से कवर्ड होता है किसका एग, बर्ड्स एंड रेप्टाइल के कंडीशन में जो एग होगा वो कवर्ड बाय कैल्सीरियस सेल, जो कि क्या करेगा उसको प्रोवाइड प्रोटेक्शन करवाएगा, क्या करवाएगा उसको, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन किसको, एग को, एग को प्रोवाइड करवाएगा क्या, प्रोटेक्शन करवाएगा। और जो एग लेइंग होगा, एग ले कहां पे होगा, एक
पर्टिकुलर स्पेस प्लेस पे, एक पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पे देखेंगे वहाँ एक प्लेस ठीक है एक ले करने के लिए। इतना समझदार वो भी हो, मतलब कि एक ले करने के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस होगा वहाँ पे वो एक ले करेंगे। उसके बाद सर्टेन पीरियड तक क्या होगा, इंक्यूबेट करेंगे उसको, इंक्यूबेशन होगा, उसके बाद हैचेस होगा, उसके बाद नॉर्मल फिर से चिड़िया या रेप्टाइल बाहर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हो। उसके बाद और इंटरनल क्या भी फेज का भाई, जैसे कि ह्यूमंस की बात करें 9 महीने तक अंदर डेवलपमेंट होता है, जैसे देखते हैं कि हाँ भाई हो गया पूरा फुली डेवलप, तो बाहर पार्चुरेशन हो जाता है। पार्चुरेशन मतलब कि डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ द बेबी के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। और ओवीपी, ओवीपी पेरेंस का तो समझा ही इतना अच्छा, सारा कुछ मेच्योर होने तक पूरे ही अंदर, जब तक पूरा सेट ना हो जाए, ठीक है, जब जब तक पूरा वो ना हो जाए डेवलप पूरी तरीके से, कि वो बाहर के आने वाले सारी मुसीबतों को झेल ले, हवा पानी धूप आग प्रेडेटर हर चीज, मतलब अंदर से ही पूरा सीख सक गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स, अब जायगोट की बात करें तो एक और चीज याद रखना कि जो फ्लावरिंग प्लांट है ना, फ्लावरिंग प्लांट में जो जायगोट का डेवलपमेंट कैसा होता है, इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो इन फ्लावरिंग प्लांट्स जायगोट डेवलपमेंट टेक्स इनसाइड ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होता है। ओव्यूल कैसा होता है, ओव्यूल ऐसे करके होगा, उसमें ऐसे एम्ब्रायसेक होता है, एम्ब्रायसेक में इस तरीके से एग होता है और ये सिनर्जिड होता है, ये एग होता है, इधर 2 पोलर न्यूक्लियस है, इधर 3 एंटीपोडल्स है, ऐसे होगा ये सिनर्जिड। इधर से क्या आएगा, मेलगेमिट आएगा, मेलगेमिट आके फ्यूज करेगा, यहाँ पे जायगोट बना लेगा, ठीक है, और इसके साथ मिलके एंडोस्पर्म बना लेगा, समझ में। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो जायगोट डेवलपमेंट टेक्स इनसाइड ओव्यूल, ओव्यूल में क्या डेवलपमेंट होता है, जायगोट का डेवलपमेंट होता है। अच्छा फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट क्या होगा, सेपल्स पेटल्स और स्टेमेंस फॉल ऑफ, बेचारा नंगा हो जाएगा, मतलब कि नंगा हो जाएगा वो, मतलब सेपल्स भी उसके खत्म, पेटल्स भी उसके खत्म, स्टेमेन भी खत्म, तो नंगा ही हुआ ना, मतलब कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद सेपल पेटल्स और स्टेमन खत्म हो जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, ये जरूरी है, ये तो सबको पता है, ये सबको पता है, ये नहीं पता होता सबको कि मतलब कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें कि सेपल जो है रिमेन अटैच्ड होता है, ऑर्गेनिज्म जिसमें कि सेपल्स remains attached, sepals remains attached, वो example क्या उसका याद रखना, guava, brinjal, tomato, tomato का तो पता ही है, टोमेटो का ना उस तरीके से ब्रिंजल जैसे कि मार्कर भी खत्म हो गया यार, ये इस तरीके का होता है पता नहीं, ये ब्रिंजल में टमाटर में भी इस तरीके का होता है, जैसे कि ऐसे अगर ये टमाटर होगा तो ऐसे करके वो होता है, पता है ना। तो मतलब कि कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ जो प्लांट्स होगा, ऑर्गेनिज्म नहीं यहाँ पे प्लांट्स हम कर लेते हैं, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सेपल होगा वो रिमेन अटैच्ड होगा,
एग्जाम्पल में क्या है, गुआवा होगा, ब्रिंजल होगा, टोमेटो होगा, ऐसे समझ में। ये क्या था, इन फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलपमेंट क्या है, कहाँ कहाँ क्या ऐसा होता है। उसके बाद आता है कि ये, वैसे तो ये आगे करेंगे लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं आगे अच्छे से दे रखा है कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा ओवरी होता है, ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में। और ओव्यूल, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। ऐसे समझ में, ये था। उसके बाद जो ओवरी का जो इंट्रूगमेंट्स होगा, इंट्रूगमेंट्स ऑफ ओवरी, ठीक है, क्या ओवरी, इंट्रूगमेंट्स ऑफ ओवरी कन्वर्ट इनटू, इंट्रूगमेंट्स ऑफ ओवरी कन्वर्ट इनटू पेरिकार्प, पेरी ठीक है, इंट्रूगमेंट्स ऑफ ओवरी कन्वर्ट इनटू पेरी का। आए समझ में, ये था हमारा इस चैप्टर का एंड पार्ट, और ये काफी है, इतना मैक्सिमम है, ये यही पूछा जाएगा जो फ्लावरिंग प्लांट क्लास में, ये तो फिर भी जो मैंने करवा दिया है, क्योंकि ये तो फ्लावरिंग प्लांट्स में करवाना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, ये मैक्सिमम है, मोर देन एनफ, इट इज मोर देन एनफ। इसमें क्या आपका जो है सिलेबस जो है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी पूरा कवर है, जो चीजें एक्स्ट्रा है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, जो भी चीजें एक्स्ट्रा थी वो मैंने सारी चीजें करवा दी। लोग क्या करवाते हैं कि बहुत सारी चीजें इसमें, ये वो 11th का 12th का, मतलब कौन कौन से चैप्टर में घुसेड़ देते हैं, बोले कि यार जब वो है, अगर वो किसी चैप्टर में है तो हम उधर क्यों ना करवाएं इसको, यहाँ पे करके कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें। अभी मान लो कि यहाँ पे भी कर ले वो, जब उस चैप्टर में जाए तो वहां बोले यार वहां पे तो मैंने ऐसा किया था, वहां पे तो मैंने ऐसा किया था, तो क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा ना, तो वो चैप्टर अच्छे से होगा ना ये चैप्टर अच्छे से होगा। तो इससे अच्छा कि पर्टिकुलर चैप्टर के अकॉर्डिंग जितना सफिशियंट हो उतना ही करते हैं, बाकी का जो चैप्टर है उस पे रहने देते हैं, वहां जाएंगे तो वहां अच्छे से करेंगे। अभी मैं ये अच्छा से मैं डिटेल में करवाने लग जाऊं तो कुछ ज्यादा ही बड़ा भी हो जाए और फिर समझ में भी ना आए दिमाग में भी ना आए, और जब जैसे नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे फिर बोलेंगे यार वहां तो ये किया था, वहां तो ये किया था, तो इससे क्या नुकसान है ना। तो ये रहा हमारा एंड अप ऑफ दिस चैप्टर। अब जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे हम इसका रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का, तो वो क्वेश्चन क्या अकॉर्डिंग करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है, वो करके इस चैप्टर को डन करेंगे, कंप्लीट करेंगे, पैकअप करके साइड कर देंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे, ठीक है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो भी नए हैं इस चैनल पे, जो भी नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो आपके पास पहुंचे और लोगों के पास भी पहुंचे। तो देखें यार बहुत मेहनत हो रही है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा वो अब भी मेहनत करो, थोड़ा सा मेहनत दिखाओ, प्यारा दिखाओ, बाकी सब तो ठीक है, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स है इसके रिगार्डिंग वो कमेंट सेक्शन में आप कहते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम सब क्लियर कर दें, डाउट वाउट हो सारा हम क्लियर करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है, थैंक यू।